हमारी कुछ रिमांड थी SRO 120 केसेस जो कि SRO 43/1994 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके जो परिवार का कोई भी मेंबर जो है, एक मेंबर को हम एम्प्लॉय वहां पे करेंगे, तो उसको बाद में जब कोलेशन सरकार आई उन्होंने 2018 5 मार्च को उन्होंने अमेंडमेंट करके इसको 120 किया। 120 के लिए इन्होंने इसलिए किया था कि कुछ केसेस हमारे जैसे कुछ बच्चे जो कैंडिडेट रह गए थे जिनके केसेस रिजेक्ट हुए किसी वजह से, कुछ माइनर थे उस वक्त, बट उन्होंने उस टाइम अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को जो पोस्ट थी वो वैकेंट रखने के लिए उन्होंने लेटर जो फॉरवर्ड किए थे, बाद में उन लोगों ने जब वापस अप्लाई किया तो उनको इंसाफ नहीं मिला। तो जब कोलेशन सरकार आई हम अपने कंसर्न MLA के थ्रू गवर्नमेंट से मिले, उनसे बात हुई तो सिविल सेक्रेटरी से वहाँ से एक ऑर्डर इशू हुआ कि भाई इनको SRO 120 के माध्यम से इनको जो है वो अप्लाई किया जाए। कंसर्न डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी कि इनके जितने भी पेंडिंग और रिजेक्ट केसेस हैं इनको रिकंसिडर किया जाए, और आफ्टर दैट कि कुछ टाइम के बाद जो हमारे केसेस थे वो वहाँ से फॉरवर्ड हुए, जिनमें से कि 2019 अक्टूबर नवंबर तक जो केसेस थे वो सेटल भी हुए हैं, वो हमारे पास उनकी कॉपीज भी हैं। तो और कुछ केसेस हमारे जो पहले के थे जो कोर्ट में थे उनके भी हुए, उसके बाद हमने भी अपने केस जो फॉरवर्ड किए कंसर्न डायरेक्टर को, और डायरेक्टर ने वहाँ से हमारी फाइल्स हमारी पोस्ट रेफर की सिविल सेक्रेटरी जम्मू में। हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं कोई एग्रीकल्चर से है, किसी के पेरेंट्स एग्रीकल्चर में थे, किसी के एजुकेशन में थे, किसी के पुलिस में भी थे, तो वो हमारे केसेस वहाँ पे आए। और जैसे ही उन्होंने एक इसके साथ एक उन्होंने और निकाला था कि इसका अप्रूवल जो है इन केसेस का GAD डिपार्टमेंट देगा, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब इसको करेंगे अप्रूवल के लिए। तो हमें ये समझ नहीं आई कि 2019 तक वो अप्रूवल होते रहे, लेकिन 2019 के बाद हमारे केसेस जो गवर्नमेंट ने वहीं पे रख दिए, ना तो उनको रिजेक्ट किया तो ना हमें हमारा राइट दिया। और हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहीं पे पड़े हैं, आज दो दो ढाई ढाई साल हो गए हैं। अब क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारे जो केसेस हैं इनको रिकंसिडर करके हमें हमारा हक दिया जाए, हमें अपॉइंट किया जाए। और ये सभी फाइलें जो हैं चीफ सेक्रेटरी के टेबल तक पहुंची हुई हैं, और सिर्फ तो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी साहब ने ही वो जो पेंडिंग किए हुए हैं केस, अब हम ये नहीं जानते कि उन्होंने क्यों रखे हैं, क्या वजहत रही है इससे पहले जो केस हुए। हमारा फर्स्ट स्टेप आज मीडिया के सामने यही आने का था कि हम उनको ये बता दें कि हमारे केस फौरी तौर पर रीसेटल किए जाएँ। अगर आप हमारे केसेस में हमारी हेल्प नहीं करते हो, ये तो हमारा राइट है, हम गवर्नमेंट से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा राइट है। और अगर यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिला हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और वहाँ पे जाकर बाई नेम कंसर्न डिपार्टमेंट और हम चीफ सेक्रेटरी साहब के खिलाफ भी वहाँ पे जो केस जो है वो वहाँ पे पुट अप करेंगे और रीड करेंगे कि हमारा हक दिया जाए हमें। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे।